हे गाइज, हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल आईटी प्रिंस। सो गाइज, झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से जो आपका झारखंड जेएसएससी सीजीएल का जो वैकेंसी निकाला गया है, जहां की फॉर्म्स जो है 15 जनवरी से जो है ऑनलाइन हो चुके हैं। दैट मींस कि आप 15 जनवरी से फॉर्म्स को भर सकते हैं। बट गाइज, इन फॉर्म्स को भरने में दो समस्याएं बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है, खासकर लड़कों में, कि आखिर फॉर्म जो भर रहे हैं तो 10th और 12th का क्या चक्कर है, नंबर वन। दूसरा चीज है कि सर्टिफिकेट यदि जाति निवासी ये चीजें नहीं बनी हुई हैं तो क्या करें, और कितना कितने डेट तक बना हुआ है जिसको हम अप्लाई कर सकते हैं। तो गाइज, खासकर इन्हीं दोनों टॉपिक पे हम आज जो है डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि गाइज आप देख पा रहे होंगे कि jssc.nic.in ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ से आप लोग जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म पे अप्लाई नाउ कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ करने के बाद देखिए, यहाँ पे डाउनलोड ब्राउचर आप डाउनलोड करके पढ़ भी सकते हैं, और न्यू रजिस्ट्रेशन यहाँ से कर पाइएगा। ठीक है, तो चलिए पहले तो आप लोग को जो है ये जो ब्राउजर है इसको मैंने खोल लिया है। ठीक है, ब्राउचर तो यहाँ पे आप लोग देखिएगा कि दो चीजें यहाँ पे दी गई थी। पहला है कि मैट्रिक, ठीक है, एवं इंटरमीडिएट, ये आपके जो है आपने जो किया हुआ है ये झारखंड राज्य में स्थित स्कूल या कॉलेज होना चाहिए, उसी से आप किए हुए हैं तभी आप इस फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हैं। बट कंडीशन है गाइज, ये सिर्फ जो कंडीशन है ये जनरल कैंडिडेट्स के लिए है, मतलब कि जो अनरिजर्व कोटा के हैं उनके लिए है। वो यदि झारखंड से भी बिलोंग करते हैं और यदि वो अनरिजर्व कैटेगरी में आते हैं, जनरल कैटेगरी में आते हैं, और उन्होंने अगर मैट्रिक या इंटर जो है नहीं किया है यहां से, तो वो फॉर्म्स नहीं भर पाएंगे। ठीक है, और यदि एसटीएससी हैं, ओबीसी हैं, और उन्होंने बाहर से भी किया है तो कोई दिक्कत बात नहीं, वो इजीली फॉर्म भर पाएंगे। चलिए मैं सब कुछ यहाँ पे आप लोगों को दिखा भी दूंगा अभी। ओके, ये नंबर वन तो डाउट आप लोग क्लियर हो गया। अच्छा, एक और बात है, यदि कोई दूसरे स्टेट के कैंडिडेट हैं और वो झारखंड से 10 और 12th किए हैं तो वो फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, ये भी एक डाउट आप लोग का क्लियर हो जाना चाहिए। बट उनको जो है रिजर्वेशन किस में मिलेगा, जनरल कैटेगरी में उनको रिजर्वेशन मिलेगा। उनको जैसे दूसरे राज्य के हैं, बिहार, यूपी के, बंगाल के हैं, और उन्होंने यदि जो है उनका उस राज्य में जो है वो ओबीसी कैटेगरी में है, तो यहाँ पे उनको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, उनको जनरल कैटेगरी में ही वो लेकिन फॉर्म भर सकते हैं। डोमिसाइल का सिस्टम यहाँ पे देखा जाए तो हटाया गया है, एक तरह से डोमिसाइल यहाँ पे यूज नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे फॉर्म जैसे आप लोग भरिएगा। चलिए, ये चीज तो मैंने आप लोग को बता दिया, अब आगे देख लीजिए। यहाँ पे जैसे कि फॉर्म्स यदि हम लोग यहाँ पर रजिस्टर्ड करते हैं, ठीक है, न्यू रजिस्ट्रेशन, तो यहाँ पे ये इंटरफेस इस तरह का खुलेगा, जहाँ कि आपसे पूछा जाएगा कि ये जो जो 2019 में जो फॉर्म जो था, ठीक है, उसके पहले भी एक बार हुआ, ये तीसरा मिला के हो रहा है, ठीक है, अपडेट हो रहा है। तो यदि आपने भर दिया, उसका फॉर्म भरा था, तो यस कर दीजिए, नहीं किया है, रिफ्रेश है, तो फिर नो कर दीजिए यहाँ पे। ठीक है, यदि दिया है आपने, ठीक है, यदि मान लेते हैं उस टाइम में आपने फॉर्म भरा था, तो यस कीजिए। यहाँ पे आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, जो एप्लीकेशन नंबर, वही रजिस्ट्रेशन नंबर है जो कि 52 समथिंग से स्टार्ट है और 6 या 7 डिजिट तक है, ठीक है, इसको आपको एंटर करना है। उसको फिर सिटीजन है तो यस कर लेना है आपको, इंडियन सिटीजन। उसको देखिए झारखंड के रेसिडेंस है या नहीं, आप निवासी है कि नहीं, यस कर दीजिए, नहीं है तो नो कर दीजिए। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पे पढ़ लीजिए, अब नो करने के बाद क्या आ रहा है, अदर स्टेट कैंडिडेट्स विल बी कंसिडर एज अनरिजर्व्ड कैटेगरी, दैट मींस कि आप अदर स्टेट से भी हैं तो भर सकते हैं फॉर्म, लेकिन अनरिजर्व कैटेगरी में आप कह लीजिएगा। तो चलिए इसको जो है यहाँ पे ये चीजें तो खत्म हो गई, देख लीजिए यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट चुनाव करने, या फिर आपका जो है निवासी नहीं मांगा जाएगा आपसे, ना ही आपसे कास्ट सर्टिफिकेट का जो है सर्टिफिकेट नंबर या फिर कास्ट मांगा जाएगा, कुछ नहीं मांगा जाएगा। देखिए सब में क्या हो गया, ये जो है पूरा ब्लर हो गया है ना, लेकिन यहाँ पे आपसे मैट्रिकुलेशन मांगा जाएगा। मैट्रिकुलेशन यदि आप नो कर दीजिएगा तो फिर यू आर नॉट एलिजिबल एज पर ब्राउचर, ठीक है, मतलब यदि आपने ये क्राइटेरिया फुलफिल 10 और 12th वाला नहीं करा, ठीक है, आप आउटसाइडर हैं, आप नहीं करा, तो देख लीजिए नो कर रहा हूं मैं तो क्या आ जा रहा है, यू आर नॉट एलिजिबल। बट जो ही यहाँ यस करूंगा, ठीक है, तब आप इसको भर पाइएगा, और एक ऑटोमेटिकली अनरिजर्व में ले लिया, ऑटोमेटिकली जैसे मैंने यहाँ पे नो कर दिया रेसिडेंस को, ये ऑटोमेटिकली ले लिया, समझ गया। चलिए अब इसको हम ये डाउट आप लोग का क्लियर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीजें होगी। अब चलिए अब यस कर देते हैं, यस कर देते हैं। अब आ जाते हैं झारखंड वालों के लिए, जिनका की जो ऐसे कैंडिडेट जिनका की जाति निवासी आय विवरण नहीं बना हुआ है, उनका क्या अभी और कब तक इनका जो है वैलिडिटी है जो कि आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है,
और क्या झारखंड के निवासी हैं और उन्होंने यदि मैट्रिकुलेशन यहाँ से नहीं किया है तो क्या होगा फिर उस केस में, ठीक है, वो भी दिखा देते हैं। तो देखिए जैसे हमने यहाँ पे यस कर लिया, ठीक है, झारखंड का मैं हूं अभी, जैसे यहाँ पे यस कर दिया, अब देख लेते हैं यहाँ पे मैट्रिकुलेशन में यस कर दिया है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आप अनरिजर्व से भरिए, चाहे EWS चाहे किसी भी कैटेगरी, जो भी आपका कैटेगरी है उससे भरिए, कोई इशू बात नहीं आएगा। बट यहाँ हमने नो कर दिया जब, ठीक है, जब हम मैट्रिकुलेशन यहाँ दे दिए कि हमने नहीं किया है यहाँ से, और जब जब अनरिजर्व में मैं टिक मारूंगा, ठीक है, और मैं अनरिजर्व हूं, इसे जब क्लिक मारूंगा, देखिए फिर यहाँ क्या कहता है, यू आर नॉट एलिजिबल एज पर ब्राउचर। दैट मीन्स गाइज कि आप झारखंड के होते हुए भी यदि आपने 10th 12th यहाँ से नहीं किया है और आप अनरिजर्व में है तो आप इस फॉर्म को नहीं भर पाइएगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट बात यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि हाँ मैंने नहीं किया है झारखंड से 10th और 12th, ठीक है, बट मैं किसी कोटा से बिलोंग करता हूँ, EWS या फिर BC2 या फिर STSC किसी से बिलोंग करता हूँ, तो चलिए करके देखते हैं। जैसे BC2 में मैंने क्लिक किया, देखिए यहाँ पे क्या पॉपअप आ रहा है कि मैरिड फीमेल कैंडिडेट्स मस्ट इंश्योर दैट सी हैज कास्ट सर्टिफिकेट विद फादर्स नेम। यहाँ पे ये एरर नहीं आ रहा है कि आप इलिजिबल नहीं है, यहाँ आ रहा है फीमेल कैंडिडेट्स के लिए कि फीमेल कैंडिडेट्स आपके सर्टिफिकेट में आपके पिताजी का नाम होना चाहिए, ठीक है। तो ये गाइज यहाँ पे है, तो यहाँ पे नो करके भी आप भर सकते हैं, बशर्ते आपका क्या है कैटेगरी जो है आपका होना चाहिए अनरिजर्व के अलावे कुछ है तो ही भर सकते हैं, ठीक है। चलिए ये डाउट तो आपका सबसे पहले तो खत्म हो गया, ठीक है। चलिए अब इसको हम कर देते हैं यहाँ पे यस और ये रहने देते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये आपका सर्टिफिकेट्स, लाइक यहाँ पे मैं आपको बताऊं कास्ट सर्टिफिकेट की बात करें या कास्ट सर्टिफिकेट की बात करते हैं, क्योंकि ये जो आपका आगे जो रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट है, ठीक है, उसमें उसमें भी वही प्रक्रिया जो है लागू होंगी। जैसे डेट ऑफ इश्यू जो है ना यहाँ पे देखिए, जैसे रेसिडेंस का है यहाँ पे, तो पहले आपको यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर डालना होगा, ठीक है, आपका जो भी निवासी जो है, ठीक है, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट उसमें जो भी आपका 6 या 6 डिजिट का जो भी आपका ये है, जो संख्या होता है, ठीक है, सर्टिफिकेट नंबर, तो वो आपको डालना होगा, 6 डिजिट का ही होता है। यहाँ पे आपको ये देना होगा डीसी लेवल का है, SDO है या फिर CO है, जो भी है आपका SDO है उसको, फिर आपको यहाँ पे ये जो डेट ऑफ इशू है वो आपको देना पड़ेगा, ठीक है, डेट ऑफ इशू यहाँ पे जो समथिंग है जो दे देते हैं यहाँ पे। बट यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं कास्ट वाले का, देखिए तो कास्ट वाले में हम लोग जो है सबसे पहले यहाँ पे तो कास्ट नंबर जो भी है आपका है, जो भी सर्टिफिकेट आपके पास मौजूद है, ठीक है, वो अभी आप पहले चेक कीजिए यहाँ पे डाल के, 6 डिजिट का आपने सर्टिफिकेट डाला। उसके बाद इशूइंग अथॉरिटी यदि SDO है, ठीक है, SDO है तो उस केस में आप यहाँ इस जगह पे आइए, ठीक है, यहाँ पे जो दिया हुआ है, यदि SDO है तो फिर, ठीक है, आपका यदि सर्टिफिकेट 2/6/2016 या उसके बाद बना हुआ है तो वैलिड हो जाएगा, तब आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं उसी डॉक्यूमेंट से बना हुआ, ठीक है, मतलब कि 2 जुलाई 2016 या 2000 या इसके बाद, इस डेट के बाद यदि आपका SDO लेवल से या DC लेवल से बना हुआ है, ठीक है, तो फिर आपके लिए कोई चिंता की बात नहीं है, आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और यदि इसके पहले का है तो फिर आपको बनवाना पड़ेगा, बिना बनवाए उपाय नहीं है, ठीक है, समझ गए। चलिए अब यदि बात कर लें जिनका CO लेवल से बना है वो क्या करें, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देख लीजिए आपसे यहाँ पूछता है, 3 चीज पूछता है, CO, SDO और DC पूछता है। तो यहाँ CO जब हम लोग दे देंगे, ठीक है, CO देंगे और जो है यहाँ पे इसकी इस ब्राउचर को फॉलो करते हैं, तो CO में आपका 19 जुलाई 2019 या उसके बाद का होना चाहिए प्रमाण पत्र, ठीक है, स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र मान्य होगा, स्थानीय निवासी भी और आपका जाति प्रमाण पत्र भी, ठीक है, कब होना चाहिए, 19 जुलाई 2019 के बाद का होना चाहिए। किस परिस्थिति में, जब आपका CO का बना हुआ है तब, यदि आपका SDO का बना हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका इस डेट में भी चलेगा, 2/6/2016 का भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आई होप गाइज कि ये डाउट जो था आप लोग का वो मैं आपका क्लियर कर पाया हूँ, ठीक है। उस तरह स्थायी निवासी देख लीजिए, यहाँ पे भी वही क्राइटेरिया लागू किया गया है, समझ गए। अब देख लेते हैं यहाँ पे हम लोग चेक भी कर लेते हैं, चलिए CO का हमने यहाँ पे डाल दिया है और देख लेते हैं कि 2018 का देखते हैं लेता है या नहीं लेता है। 2018 मैंने कोई भी डेट रैंडमली मैंने ले लिया, जैसे कि मान लेते हैं, देखिए जैसे मैं 11 डाल रहा हूँ, क्या लिख रहा है, डेट ऑफ इशू ऑफ CO सर्टिफिकेट एंड लोकल रेसिडेंस ऑन मार्च 25/2/2019, मतलब कि ये नहीं लेगा।
अब आपको कब का चाहिए, 25/2/2019 या उसके बाद का चाहिए, क्योंकि सीओ मैंने यहाँ सेलेक्ट कर दिया है इसलिए। तो इस केस में क्या करना होगा, पहले का है तो आपको बनवाना पड़ेगा, ठीक है। एसडीओ का एक बार चेक कर ले, एसडीओ का देख लीजिए, इसके इस जो ब्राउचर है उसके अकॉर्डिंग 2016 के बाद वाला चलेगा, ठीक है। 2016 का हमने यहाँ पे चेक कर रहा है, करते हैं, या 15 का चेक करके आपको दिखा देते हैं, पहले 15 वाला लेगा कि नहीं। तो 15 वाले में देख लीजिए, यहाँ पे तो हालांकि ले ले रहा है, हाँ, लेकिन इसके अकॉर्डिंग इसके अकॉर्डिंग 16/2/2016 तक का ही होना चाहिए, बट यहाँ गाइज ले लिया है, बट और थोड़ा पीछे यदि हम जाते हैं तो ये नहीं लेगा। देखिएगा यहाँ पे देख लेता हूँ थोड़ा पीछे करके, तो गाइज यहाँ पे 8 करके देखते हैं। देखिए यहाँ पे पीछे जाने के बाद यहाँ पे ये कह रहा है कि एसडीओ या फिर डीसी लेवल का जो है वो आपका कब का बना होना चाहिए, 29 अगस्त 2012 का बना होना चाहिए। तो गाइज यहाँ पे तो 16 दिया है, लेकिन आपका यहाँ तक भी एक्सेप्ट कर रहा है, तो आप भर सकते हैं 29 अगस्त 2012 के बाद से जो है आपका लोकल रेसिडेंस सर्टिफिकेट होना चाहिए, एसडीओ या डीसी लेवल का, ठीक है। तो गाइज ये दोनों जो आप लोग के डाउट्स थे ये मैंने अच्छे से क्लियर किया है, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। और जिनका ये डेट्स जो है नहीं है, ठीक है, वो कृपया करके बनवा लीजिए, क्योंकि बिना उसके उपाय नहीं है। तो ये दोनों डेट्स आपको याद रहेगा, 29 अगस्त 2012 इसके लिए है, और इसके लिए जो है आप लोग का सीओ लेवल का जो है इसका आपका वही 25/2 समथिंग था ना, हाँ, इसमें देख लीजिए कितना है, 19/7/2019 सीओ लेवल का, अंचलाधिकारी जिसको हम लगाते हैं, और एसडीओ हो गया आपका अनुमंडल, ठीक है। तो ये गाइस डाउट्स थे आप लोग का क्लियर। अब यहाँ पे देखिए जो भरने की जो टर्म्स हैं, सिंपल है, यहाँ पे सिंपल चीजों को भर पाइएगा आप। रजिस्ट्रेशन नंबर यदि नहीं है तो पहले नहीं भरे थे तो नो कर दीजिए, फिर आगे बढ़ जाइए। सिटीजन में यस कर देना है, यहाँ पे झारखंड है के तो यस कर दीजिए, नहीं तो नो कर दीजिए। डिस्ट्रिक्ट में आपको चुनाव कर लेना, जो भी डिस्ट्रिक्ट से आप है कर लीजिए। उसके बाद फिर यहाँ पे जो आपको सर्टिफिकेट नंबर डालना है लोकल रेसिडेंस का, ठीक है, मतलब की निवासी का यहाँ पे डालना है, निवासी प्रमाण पत्र का सर्टिफिकेट नंबर, जो भी इश्यूइंग अथॉरिटी है, जिलाधिकारी है या फिर एसटीओ आपका अनुमंडल है या फिर टीसी है, तो आप सेलेक्ट कर लीजिए, जो भी सर्टिफिकेट ऊपर देख लीजिएगा, ऊपर में आप लोगों को मिल जाएगा सर्टिफिकेट में। डेट ऑफ इश्यू आपको सेलेक्ट कर लेना है, कौन सा डेट को इशू किया गया है आपका वो सर्टिफिकेट, वो एंटर कर लेना है यहाँ पे। 10th और जो है 12th का मैंने सारा फंडा आपको क्लियर कर दिया, यस कर लेना है तो नहीं है तो नो कर लेना है, ठीक है। तो इसमें भी आपको बता दिया मैंने सारा कंडीशंस। उसके बाद आपको ये वाला सराउंडिंग जो झारखंड स्टेट का जो बोला जाता है लैंग्वेज कस्टम्स सब जान रहे हैं, यस करना होगा आपको। रिजर्वेशन कैटेगरी जो भी है आपको रिजर्व से वो डाल देना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो है ये चीज़ों को प्रिमिटिव ट्राइब्स हैं तो करना होगा, नहीं तो ये छोड़ देना होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको कास्ट सर्टिफिकेट्स डालना होगा, उसका सर्टिफिकेट नंबर, फिर कौन इशू किया है, एसडीओ डीसी जो भी है, डेट ऑफ इशू जो भी होगा डाल देना है। उसके बाद फिर जो है आपका पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स हैं तो यस या फिर नो कर लेना है, डिसेबिलिटी में चेक कर लीजिएगा अपना, ठीक है। उसके बाद ये पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स भरेंगे, आप लोग को नहीं भरना। एक्स सर्विसमैन है तो यस, नहीं तो नो कर लेना है, जैसे इसमें नो कीजिएगा ये सारा हट जाएगा। उसके बाद फिर यहाँ पे स्पोर्ट्स कोटा है तो यस, नहीं तो नो कर दीजिए, और जैसे नो कीजिएगा ये चीजें हट जाएंगी। नेम ऑफ एप्लीकेंट, जो आपका 10th में एप्लीकेंट है, कैपिटल अक्षर में आप अपना नाम यहाँ भर लीजिए। उसके बाद फिर यहाँ मेल है तो मेल, नहीं तो फीमेल कर लीजिए, जो भी है आप वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। मोबाइल नंबर आपको यहाँ एंटर करना है, जो भी आपका एक्टिव मोबाइल नंबर है, यहाँ पे फिर से वही मोबाइल नंबर को फिर से कन्फर्म कर डालिए करने के लिए। ईमेल आईडी में यहाँ पे जो आपका एक्टिव ईमेल आईडी है वही डालिए, क्योंकि फिर से आपको जो इसमें सारे पत्राचार जो भी इसी में किए जाएंगे कम्युनिकेशंस, ठीक है। फिर इसी ईमेल आईडी को रिपीट यहाँ एक बार करना है। डेट ऑफ बर्थ यहाँ सेलेक्ट करके इस कैप्चा कोड को यहाँ डाल करके आपको करना है सबमिट एंड कंटिन्यू कर देना है। सबमिट एंड कंटिन्यू करने के बाद गाइज आप लोग को जो है पूरा एड्रेस भरवाया जाएगा यहाँ पे। उसके बाद फिर आपका एडुकेशनल क्वालिफिकेशन भरवाया जाएगा। उसके बाद आप जो है कौन सा क्षेत्रीय भाषा का रखना चाहते हैं वो आपसे भरवाया जाएगा, ठीक है। वो सारे भरवाने के बाद फिर जो है आप लोग का यहाँ पे जो है फोटो सिग्नेचर वगैरह सब अपलोड होगा, पेमेंट होगा, और उसके बाद कुछ नहीं। उसके बाद फिर आपको प्रिंट करा लेना है, और प्रिंट करा करके उसको फ्यूचर रेफरेंस के लिए रख लेना है, ठीक है। तो गाइज पेमेंट का ऑप्शन तब आएगा जब आप यहाँ पे नो कर दीजिएगा, ठीक है। इवन यस कीजिएगा तो आप यहाँ रेफरेंस नंबर दीजिएगा तो फिर आपका पेमेंट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पिछले बार एक बार आपने पेमेंट कर दिया है, ठीक है। तो गाइज आई होप कि ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि खासकर वॉइस से कैंडिडेट्स जो कि जान रहे हैं कि उनका सर्टिफिकेट भी नहीं है, बनवाना है। तो गाइज इसमें मेरे ख्याल से अभी आप अप्लाई कर दीजिए, 1 महीना का वक्त है, हो सकता है कि सर्टिफिकेट बहुत बच्चों ने अभी अप्लाई किया होगा या करेंगे तो उनके उनको थोड़ा मौका भी मिल जाएगा,
ठीक है, हो सकता है कि इसमें थोड़ा एक्सटेंशन भी हो जाए डेट्स का। आई थिंक जहां तक मुझे लगता है कोरोना वोरोना ये सब के कारण थोड़ा डेट्स भी एक्सचेंज होगा, तो अभी जल्दी से जल्दी अप्लाई कर दीजिए जो जिनका नहीं बना हुआ है, ठीक है, क्योंकि वो बिना उसके नहीं हो पाएगा गाइस। तो ये इस बात का आप लोग ख्याल रखिएगा। आउटसाइड कैंडिडेट्स के लिए मैंने सारा कुछ आपको इस वीडियो में बता दिया है। तो चलिए मिलते हैं अगले अपडेट में अगले इन्फॉर्मेशन के साथ, और आपको जितनी भी परेशानियां हैं वो मुझे कमेंट्स में बताइएगा, मैं देखूंगा उस तरह का कुछ, बहुत सारा सेम तरह का डाउट होगा तो वीडियो आप लोग को बना दूंगा। चलिए गाइस मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए चैनल पर बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।